एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वो है डॉट एंड की का न्यूली लॉन्च स्ट्रोब क्रीम, विच इज डॉट एंड की स्ट्रॉबेरी ड्यूई इन द स्पॉटलाइट स्ट्रोब क्रीम विद प्रो विटामिन B5 एंड नायासिनमाइड। ऑल्सो गाइस, यहाँ पे ये मेंशन है कि ये ऑल स्किन टाइप के लोग यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी मेंशन है कि ये सीमलेसली ब्लेंड होता है और उसके साथ साथ आपको इंस्टेंट ड्यूई फिनिश देता है। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस है 345 rupees फॉर 30 ml ऑफ प्रोडक्ट। और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको 36 months की शेल्फ लाइफ मिल जाती है। उसके साथ साथ गाइस, डॉट एंड की ये क्लेम कर रहा है कि इसके अंदर आपको मेकअप के बेनिफिट्स भी मिलेंगे और उसके साथ साथ इसके अंदर आपको स्किन केयर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, क्योंकि वो मेंशन कर रहे हैं कि इसके अंदर विटामिन्स और इसके अंदर नायासिनामाइड भी आपको मिलता है। सो गाइस, अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं ये इसकी आउटर पैकेजिंग है और आउटर पैकेजिंग बहुत ही खूबसूरत रेड और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरीज बनी हुई है। गाइस, अगर एक्चुअल ट्यूब की बात की जाए तो कुछ इस तरीके की ट्यूब आपको मिलती है, वो भी व्हाइट और डार्क पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में आपको मिलती है और कुछ इस तरीके का नोजल आपको इसके अंदर रिसीव होता है। इसका जो फॉर्मूला और कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी जैसे मॉइस्चराइजर और थोड़ी सी थिकर साइड पर है, और जैसे ही आप इसे ब्लेंड करते हो तो बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो जाता है। जैसा कि उन्होंने अपनी पैकेजिंग पर भी मेंशन कर रखा है कि ये सीमलेसली ब्लेंड होता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको इसे ब्लेंड करने में। और जब ये ब्लेंड हो जाती है तो उसके अंदर से बहुत ही खूबसूरत पिंक या आप पीच कलर की जो शीन है वो आपको इसके अंदर नजर आएगी। सो गाइज, यहाँ पर मैं आपको इसे ब्लेंड करके दिखा रही हूँ और इसमें मैंने कोई भी कट नहीं लगाया, बिल्कुल रियल टाइम में आप इसे देख रहे हो और इजीली ब्लेंड हो गई है। और ब्लेंड होने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा मॉइस्चराइज फील होगी। ऐसा नहीं कि एक बार जब ब्लेंड हो जाएगी तो स्किन थोड़ी सी ड्राई फील होगी, नहीं, इसके बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट और काफी ज्यादा मॉइस्चराइज फील होगी आपको। सो गाइज, अगर इस स्ट्रोब क्रीम के इफेक्ट्स की बात की जाए तो अगर तो आप इसे अपनी बेयर स्किन पर अप्लाई करते हो तो बहुत ही खूबसूरत लगती है ये आपकी स्किन पर, बिल्कुल भी इसके अंदर चंकी ग्लिटर्स या स्पार्कल्स वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ही हल्की सी इसके अंदर शीन है, बहुत ज्यादा इंटेंस शीन नहीं है, बहुत ही हल्की सी शीन है जिसे आपको काफी ध्यान से देखना पड़ेगा। बट हाँ, जब लाइट आपके फेस पर या आपकी स्किन पर पड़ती है तो वो नजर आएगी, बट वो सिर्फ आपको बेयर स्किन पर नजर आएगी। बट अगर आप इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हो तो इसका जो सारा इफेक्ट है वो फाउंडेशन कवर कर लेती है, तो आपको जो विद इन काइंड ऑफ ग्लो है वो नजर नहीं आएगा। बट हाँ, अगर आप इसे अप्लाई करके कोई स्किन टिंट अप्लाई करते हो तब ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है और अंदर से आपको वो बहुत ही हेल्दी सा और ग्लोइंग सी स्किन नजर आएगी। अगर इसकी फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो इसके अंदर से स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस आती है जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, बट कहीं से भी आपको केमिकली सी या हार्श नहीं लगेगी। सो गाइज, आज इस स्ट्रोब क्रीम को मैंने अपनी बेयर स्किन पर भी अप्लाई किया और अपनी फाउंडेशन के ऊपर भी एज अ लिक्विड हाइलाइटर भी इसे अप्लाई करने की कोशिश की। सो गाइज, बेयर स्किन पर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत नेचुरल लगता है और बहुत ही विद इन काइंड ऑफ ग्लो आपके स्किन पर आपको नजर आएगा। बट गाइज, जहां जहां पर भी मैंने इसे अपनी फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई किया वहां वहां से जो मेरी फाउंडेशन है वो हटनी स्टार्ट हो गई थी और फाउंडेशन वहां से रिमूव हो रही थी। तो इसलिए गाइज, इसे आप अपनी फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप इसे अपनी फाउंडेशन के ऊपर अप्लाई करोगे तो वहां पर से फाउंडेशन भी रिमूव हो जाएगा और वहां से आपका मेकअप काफी ज्यादा पैची सा हो जाएगा। सो गाइस, अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए कि क्या मैं आपको रिकमेंड करती हूँ या नहीं, तो प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छा है, इवन कि मुझे भी काफी पसंद आया है। बट हाँ, अगर आपको इसे सिर्फ अगर बेयर स्किन पर अप्लाई करना है या स्किन टिंट के साथ अप्लाई करना है तब ये आपको बहुत ही अच्छा विद इन काइंड ऑफ ग्लो देगा और स्किन बहुत ही हेल्दी और ड्यूई सी लगेगी। बट अगर आपको इसे अपनी फाउंडेशन के साथ या इसके ऊपर फाउंडेशन अप्लाई करना है तो गाइस, इसके इफेक्ट्स आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। सो इसलिए गाइस, अगर आप बहुत ही मिनिमल सा मेकअप अप्लाई करते हो, जैसे इसके ऊपर आप बेबी क्रीम लगा रहे हो या सीसी क्रीम लगा रहे हो या कोई स्किन टिंट लगा रहे हो, तब ये काफी आपकी स्किन को हेल्दी सा ड्यूई सा दिखाता है। और गाइस, आई होप कि आज का ये छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। सो जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।